हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं साइंस। सेवन्थ क्लास का चैप्टर है जो एनसीईआरटी सीरीज चला रखी है, जो हमने मृदा सोइल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो इस चैप्टर में हम कर रहे हैं। पोलेथीन की जो थैलियां हैं और प्लास्टिक, क्या है वो, किसको प्रदूषित करती है? हमारी मृदा सोइल को वो प्रदूषित करती हैं। अब क्या है, 1 जुलाई 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोलोथीन पर बैन लगा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पोलोथीन पर बैन कब लगा? 1 जुलाई 2022 में। पवन, हवा, जल और जलवायु की क्रिया से क्या प्रोसेस, जो भी क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है, चट्टानों के जो टूटने हैं ना, उस पर क्या होता है, हमारी मृदा सोइल का क्या निर्माण, सोइल हमारी बनती है, उसको क्या कहते हैं हम, अपक्षय कहलाता है वो। पवन, जल और जो जलवायु होती है उसकी क्रिया से जो भी चट्टानें टूटती हैं और वो मृदा का निर्माण उससे होता है वो कहलाता है हमारा अपक्षय। अब आपसे पूछा जाए, मृदा को उर्वर मतलब उपजाऊ कौन बनाता है, तो क्या कौन बनाता है, ह्यूमस। अब आपसे पूछा जाए, ह्यूमस किसको उपजाऊ बनाता है, मृदा को। ह्यूमस मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ। अब देखिए, एक ही लाइन में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ह्यूमस किसको उपजाऊ बनाता है, मृदा को। मृदा को उपजाऊ बनाता कौन है, ह्यूमस। ह्यूमस मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम कर रहे हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, मृदा की जो विभिन्न परतें होती हैं उससे गुजरती हुई क्या वो ऊर्ध्वाकार मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। जैसे कि अब हम कोई पौधा बोते हैं मृदा में, उसमें क्या है, कई परत बनती हैं, एक परत में जड़, एक में उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, सबसे ऊपर क्या मिट्टी होती है वो जो टाइट होती है, फिर नीचे सॉफ्ट होती है, इस तरह से होती है ना। तो अब उसमें हम मृदा परिच्छेदिका के जो पार्ट कर रहे हैं, कौन सी मृदा किस पार्ट में आती है। ए में क्या है, शीर्ष मृदा, छोटे पादपों की जो जड़ें होती हैं ना वो पूरी तरह से इसी में रहती है, किसमें, जैसे कि पुदीना है, धनिया है, वो जो है जड़ समेत क्या ऊपर ऊपर की मिट्टी में रहती है, वो नीचे तक नहीं जाती उनकी जड़ें, थोड़े से हिस्सा होता है मिट्टी की परत का वो उसके तक ही रहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से इसी में रहती है। इस मृदा में क्या होता है, कृमियों, कृंतकों व छछुंदरों, भृंगुओं को आश्रय प्रदान होता है, जैसे कि वो झिंगूर से घूं घूं करते, इस तरह से क्या है वो इसी मृदा के अंदर, कौन सी, फर्स्ट मृदा जो शीर्ष मृदा है वो यहीं पर ही आश्रय प्रदान करते हैं। कौन कहाँ पे, छोटे पादपों की जो जड़ें होती है वो पूरी तरह से इसी में ही रहती हैं। इस मृदा में कृमियों, अब पूछा जाए शीर्ष मृदा में किसे आश्रय प्रदान होता है, कृमियों को, कृंतकों को, छछुंदरों को, भृंगुओं को। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑप्शन वाले में कि शीर्ष मृदा में कौन कौन से जो जीव जंतु वो रहते हैं, कृमि, कृंतक, छछुंदर, भृंगु, ऑल ऑफ द अबो, तो आपको क्या है, ऑल ऑफ द अबो को क्लिक करना है, टिक करना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सेकंड जो स्टेज होती है मृदा की उसे क्या बोलते हैं, बी मध्य परत। शीर्ष मृदा से नीचे की जो परत है उसमें क्या है, ह्यूमस जो है कम होती है, क्या कम होती है, ह्यूमस, लेकिन क्या ज़्यादा होता है उसमें, खनिज। ह्यूमस तो कम होता है लेकिन खनिज क्या है, ज़्यादा होता है। यह परत अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। पहली स्टेज क्या है, मिट्टी की जो पौधे वगैरह लगे होते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, दूसरे वाली क्या है वो अधिक कठोर हो जाती है और अधिक घनी हो जाती है। अब पूछा जाए मध्य परत में ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है, कम, ज़्यादा या अधिक, अत्यधिक, इस तरह से पूछा जाए तो क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन खनिज क्या है वो ज़्यादा होता है। यह परत आपसे पूछा जाए अगर कि कौन सी ऐसी परत है जिसमें ह्यूमस तो कम होता है लेकिन खनिज ज़्यादा होता है, तो वो कौन सी परत हो जाएगी, मध्य परत। ओके फ्रेंड्स, अब इस परत में क्या है, अधिक कठोर या तो और एक अधिक घनी होती है।
तीसरी जो परत होती है इसे क्या बोला जाता है? सहस्तर स्थिति, जो क्या है? दरारों और विद्रोह युक्त, उसके अंदर क्या है? शैल बन जाते हैं, उसके छोटे ढेलों की बनी होती है। अब यहाँ पे क्या है, दो स्टेज के बाद जो तीसरी स्टेज है, जो दरारों और विंद्रो मतलब छेद बन जाते हैं, उनकी शैलों के छोटे छोटे डेल मतलब डले बन जाते हैं, उनकी बनी हुई होती है। अब है चौथी जो स्टेज है इसकी, आधारशैल। तीन हो गई थी ना हमारी परिच्छेदिका की, मृदा परिच्छेदिका की। चौथी स्टेज देखिए, सबसे नीचे की जो परत है ना आधारशैल, उसे क्या कहते हैं? सबसे नीचे की परत को आधारशैल। आपसे पूछा जाए सबसे नीचे की परत को मृदा परिच्छेदिका की क्या कहा जाता है? आधारशैल। ये कैसी होती है? एक तो कठोर होती है, सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी शैल होती है? आधारशैल। इसको क्या है, फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। इसको आप हाथों से तो खोदने की बजाय क्या, फावड़े से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि आप घर की नींव वगैरह खोदते हो तो वो ऊपर की मिट्टी तो इजीली फटती जाए, कस्सी से फावड़े से फट जाएगी, लेकिन जब नीचे की परत आ जाती है ना वो खोदनी बहुत मुश्किल होती है। उसी तरह से बता रखा है कि सबसे जो नीचे की परत है वो क्या है, कठोर होती है और फावड़े से उसे खोदना कठिन होता है। ओके फ्रेंड्स, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है? मृदा। आपसे पूछा जाए मृदा क्या होती है? शैल कण, ह्यूमस या दोनों का मिश्रण या कोई नहीं, तो क्या होगा? शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाती है। अब ये पूछा जाए आपसे मृदा होती कितने प्रकार की है? मृदा कितने प्रकार की होती है? तीन। कौन कौन सी? बलऊ मिट्टी, मिण्मय मिट्टी, दुमटी मिट्टी। मिट्टी बोलो मृदा बोलो एक ही बात है फ्रेंड्स। जिस मृदा में, जिस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात क्या है, अधिक होता है, जिस मिट्टी में बड़े कण का अनुपात क्या है, अधिक होता है, वो कौन सी होती है? बलुई मिट्टी। मिण्मय मिट्टी, मिण्मय मृदा, सूक्ष्म कणों का अनुपात, जिसमें सूक्ष्म कण हो जाएंगे ज़्यादा, वो हो जाएगी मिण्मय मिट्टी, मिण्मय मृदा। दुमटी मिट्टी, जब बड़े भी और छोटे कण की मात्रा क्या है, लगभग क्या है, वो समान बराबर होती है। बड़े कण भी सेम आधे हो गए और छोटे कण भी आधे, दोनों आधे आधे कणों से मिलके मिट्टी जो बनती है वो हो जाती है हमारी दुमटी मिट्टी। अब इसके अलावा जो कई जगह पे क्या है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा चिकनी मिट्टी क्या है? चिकनी मिट्टी में क्या है, हवा कम होती है, वायु कम होती है। चिकनी मिट्टी में क्या कम होती है? वायु। वायु किस मिट्टी में कम होती है? चिकनी मिट्टी में। ओके फ्रेंड्स, पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता मतलब जो नमी है उसके, वो किसको प्रभावित करती है? मृदा को। आपसे पूछा जाए मृदा को प्रभावित कौन कौन करता है? पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता मतलब कि नमी। आर्द्रता को आप क्या है, नमी भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में आर्द्रता ना दिखाई दे, नमी हो और आप उसको ना ध्यान दें, इसको इसलिए मैंने आपको बताया कि आर्द्रता को नमी भी बोलते हैं। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा क्या है, मृदा प्रभावित होती है। मिण्मय व दुमटी मिट्टी, दुमटी जो मृदा है वो किस खेती के लिए उचित होती है? गेहूँ की और चने की, गेहूँ की और चने की। अब आपसे पूछा जाए कपास के लिए कौन सी मिट्टी उचित होती है? कपास के लिए होती है हमारी बलुई और दुमटी मिट्टी, मतलब कि एक तो जिसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक है और एक जो बराबर कणों से मिलकर बनी है, बड़े और छोटे से। उसी तरह से मिण्मय व दुमटी मिट्टी क्या है? गेहूं व चने की खेती के लिए। मिण्मय हो गई हमारी सूक्ष्म कणों की और दुमटी में दोनों कण जो है लगभग बराबर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
इजीली मिल सके। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें।